विरोध सिर्फ इस बात का है कि एक 35,000 स्टूडेंट का कैंपस जो है वो एक प्रोफेसर को और इतनी 12 करोड़ का ये सिक्योरिटी बजट है यूनिवर्सिटी का, वो किसके लिए है कि जब एक प्रोफेसर असुरक्षा से डर के बनारस छोड़ के चला जाता है, बीएचयू छोड़ के चला जाता है। विरोध इस बात का है, हम सारे लोग यहाँ पे सॉरी फील करना है, हम चाहते हैं कि फिरोज सर आए पढ़ाएं। हम ये मानते हैं कि जो भी भाषा है, जो भी संस्कृति है, वो धर्म से इतर है, ज्ञान धर्म से इतर है। कोई भी ज्ञान धर्म का नहीं होता है, कोई भी भाषा धर्म की नहीं होती है। धर्म की भाषा जरूर होती है, उस भाषा के ज्ञानी भी होते हैं, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। और जहाँ तक बात ये की जा रही है कि हिंदू धर्म का संकाय है या जो भी है, हम मानते हैं कि 15 अगस्त 1947 के भारत के आज़ाद होने के बाद जिस दिन से इस भारत में संविधान लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 से, उस दिन से इस देश का धर्म संविधान है और कुछ नहीं। तो संविधान के हिसाब से ही इस देश में जो भी चीज़ें बनेंगी वो संविधान के हिसाब से बनेंगी, न कि किसी धर्म की भाषा की किताब के अनुसार। समर्थन कर रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं इस क्षमा के साथ कि आप यहाँ पर थे तो हम कुछ नहीं कर पाए, इस क्षमा के साथ हम ये आग्रह कर रहे हैं कि सर आप आइए। बीएचयू का हर छात्र, वो जो वहाँ बैठे हैं उनके इतर भी इस कैंपस में बहुत सारे छात्र हैं जो आपको बेपनाह मोहब्बत करते हैं, वो चाहते हैं कि आप आए। और हम ये वादा करते हैं कि इस कैंपस में धर्म के नाम पे जो जाहिलियत फैली है वो उसकी आँच हम आप तक नहीं आने देंगे। मेरा नाम आशुतोष कुमार है। देखिए यहाँ पे फिरोज खान की नियुक्ति हुई है संस्कृत धर्म विज्ञान संकाय में, तो कुछ लंपट छात्र उनके विरोध में बैठ गए ये कह के कि ये महामना के मूल्यों के खिलाफ है। अगर सच में महामना का ऐसा कोई मूल्य है कि संस्कृत सिर्फ हिंदू ही पढ़ा सकता है तो वाकई ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ जहाँ तक आई मूल्यों की बात, तो आज से 100 साल पहले 1000 साल पहले ऐसे अनेक मूल्य थे जो कहते थे कि स्त्रियाँ नहीं पढ़ेंगी, लड़कियाँ नहीं पढ़ेंगे, शूद्र नहीं पढ़ेंगे। आज भी ये उन मूल्यों का हवाला दे के अगर मुसलमान को या फिर दलित को पढ़ाने से रोकते हैं तो हम इसका कड़ा प्रतिरोध करते हैं। क्या विरोध का मकसद रहा? विरोध का मकसद यही कि हम लोग फिरोज खान के साथ हैं और हमेशा रहेंगे।